So all of you wanted to see the part where I show you the quotes and a day in the quotes. So here I am, although I feel really uncomfortable right now because I know I'll have to shoot a little in the court. Of course, I'll not shoot in the courtrooms, but I'll try to show you things around. So today I have a day where I am in the Rohini district courts in Delhi, and I might have to go to another district court, that is Dwarka. So I'll try to show you whatever I did. There's one case where nothing is going to happen, but an exemption application is to be put on record because the client couldn't come due to some reason. You must know that if a client doesn't come to the court due to any reason, you have to produce an exemption application before the court saying the valid reason why your client couldn't come to the court. Otherwise, I mean, some judges do accept the non-appearance of client even without the exemption application, but it is always a good practice to put it in place as a lawyer as well. Then thereafter, I have to go to the Dwarka courts, and I'll try to also show you that court around. So let's see how the day goes. Yes, I've just reached the court, and I'm rushing towards the courtroom, so I'm expecting it will be a good day. Wishing myself good luck for the day, I headed straight away to the court. The courtroom for the day at Rohini Courts was on the ground floor, so it was easier for me to reach there. ये आप देख रहे हो सुबह सुबह कोर्ट रूम के बाहर का. अगर आप व्यू देखना चाहते हो, लॉ स्टूडेंट हो, देखना चाहते हो जब कोर्ट में इंटर्नशिप करोगे तो कैसा होगा, कैसा माहौल रहता है. ऑफ कोर्स लोग होते हैं, बहुत टेंस्ड होते हैं, जिनकी जो पार्टीज़ होते हैं केसेस के. और हाँ, ये साथ ही में कोर्ट में बहुत सारी फैसिलिटीज़ होती हैं, तो यहाँ ये बैंक भी है. अब ये जो केस था ये DV एक्ट से रिलेटेड था, और ये जो डेट थी यहाँ पर मेंटेनेंस का क्लेम भी हुआ था. तो मेंटेनेंस के क्लेम के लिए ना एक एफिडेविट लगता है, जो 2020 में ही एक जजमेंट आने की वजह से सुप्रीम कोर्ट की स्टार्ट हुआ है. रजनीश वर्सेस नेहा, अगर आप देखना चाहो तो आप देख भी सकते हो. उसके एनक्लोजर में ही एफिडेविट दिया हुआ है कि क्या लगाना आपको ऐसे क्लेम के साथ ज़रूरी है. तो काम ख़त्म हुआ अराउंड 11 or 11:30 आई थिंक, एंड आई रश्ड टू द द्वारका कोर्ट्स. आई न्यू इट कि बहुत ज़्यादा टाइम लगने वाला है, तो मैंने फटाफट मेट्रो ली, क्योंकि द फास्टेस्ट वे यू कैन ट्रैवल इन दिल्ली इज़ थ्रू मेट्रो, अगर आपके पास मेट्रो स्टेशन बहुत पास में है तो. बट मैं भूल गई थी कि ये द्वारका है और मुझे ब्लू लाइन से ट्रैवल करना पड़ेगा. जो दिल्ली में नहीं रहते उनको नहीं पता होगा कि ब्लू लाइन कितना बड़ा सरदर्द है. आई एम एट द इंद्रलोक स्टेशन, एंड एक्चुअली द वेटिंग टाइम दैट इज़ देयर फॉर ट्रैवल, इट इज़ द रियल थिंग दैट किल्स योर टाइम. और इतना ज़्यादा टाइम लग जाता है ना, इतना गुस्सा आता है इधर उधर वेट करने में, जाने में. तो आई थिंक इस वजह से मुझे कभी कभी लगता है कि जो ऑनलाइन हियरिंग्स थी वो बहुत बहुत अच्छा सिस्टम थी. मतलब क्या है, तो हमें कोशिश करनी चाहिए, मतलब जजेस को, कि छोटी छोटी चीज़ों के लिए, कोर्ट स्टाफ को भी, कि मोस्ट ऑफ़ द चीज़ें जो ऑनलाइन सुनी जा सकती है उनको ऑनलाइन ले. और जहाँ पर फिजिकल की बात आती है तो हाँ, हाइब्रिड मोड ऑफ हियरिंग रखो. और मुझे तो लगता है इसे डेफिनेटली बंद नहीं करना चाहिए ये ट्रैवल बचाने के लिए. फाइनली आफ्टर 1.5 आवर्स आई वॉज एट द द्वारका कोर्ट. ये है वहाँ की एंट्रेंस जहाँ से हम कोर्ट की तरफ जाते हैं. और ये कोर्ट का अंदर का एरिया है अगर आप देखो तो, जहाँ पे कोर्ट रूम्स भी हैं और यहाँ भी कोर्ट रूम्स है. और ये जो एक पैसेज को हम यहाँ पर क्रॉस करके जाते हैं, इसके बाद भी ये वाला गेट के थ्रू हम कोर्ट रूम्स पे ही जाते हैं. यहाँ के पास वाला कोर्ट था जहाँ पर वो मैटर लिस्टेड था, जिसके लिए हमें कुछ परमिशन लेनी बहुत ज़रूरी थी एक जज से इन अ पर्टिकुलर केस. बट क्या हुआ, वो थोड़ा सा लेट होने की वजह से, सुना तो सही जज ने, लेकिन उन्होंने बहुत जल्दी एडजर्नमेंट दे दिया. और उन्होंने एक दिन बाद का ही एडजर्नमेंट दे दिया, तो इतना ख़राब लगा कि यार फिर से एक दिन बाद यहाँ आना पड़ेगा इतना दूर ट्रैवल करके. अब जो लोग देखना चाहते थे कि दिल्ली डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स अंदर से कैसे दिखते हैं, तो देखो वैसे द्वारका ना एक बहुत नया बना हुआ कोर्ट है. साउथ वेस्ट रीजन जो है दिल्ली का, उसके लिए ये पर्टिकुलरली बना है और कुछ ऐसा दिखता है. हाय गाइस, आई एम बैक होम. आई हैव लिटरली नॉट इवन वॉश्ड माय फेस. आई डिड नॉट इवन टेक माय ear plugs out, just to show you how my face looks just after I am back from the courts. So I think the effective time that I've spent in courts today is not more than 1 hour, and I started traveling around 9 a.m. in the morning, sharp at 9. I woke up around 6:30 in the morning, and I am back at it's 4 or 4:30 in the evening, almost evening. So you can see how much travel goes into
this is the struggle that lawyers refer to, with not a lot of income coming from all the matters. So देख सकते हो आप कि कैसे जाते हैं दिन. एक घंटा इफेक्टिव टाइम और 7 घंटे बाहर रहना. हाँ, वो उसमें मैंने लंच भी किया, कुछ खाया, थोड़ा बहुत ऐसे टाइम पास भी किया होगा. एनी केस, आई एम बैक होम एंड आई एम लविंग इट. अभी बहुत गर्मी है, बहुत गर्मी है. टू ऑल ऑफ यू हु आर नॉट इन दिल्ली, यू आर ब्लेस्ड. Hi, so I'm not only back home but I've washed my face, I've freshened up. और अब दिख रहा होगा मेरे अंदर एक क्लियर डिफरेंस और एनर्जी दिख रही होगी. बट जोक्स अपार्ट, आई कैन नॉट इवन शो यू हाउ मच आई वॉक्ड टूडे. देखो, देख के पता नहीं तुम लोग को कैसा लगेगा, बट देखो. देख रहे हो, ये करना पड़ता है यार. फिजिकल कोर्ट्स सबको देखना था ना, हाउ अ डे इन द फिजिकल कोर्ट्स लुक लाइक. कुछ भी नहीं दिखता उसमें, इससे अच्छा तुम घर वाला देखा करो, वर्क फ्रॉम होम वाला. एनी वे, आई हैव दिस ब्यूटिफुल बुक बिफोर मी दैट आई वॉज प्लानिंग टू रीड. दिस इज़ माई बर्थडे गिफ्ट एंड आई एम प्लानिंग टू रीड इट वेरी सून एंड ऑल्सो गिव अ रिव्यू फॉर यू गाइज. टू लेट मी नो हाउ मेनी ऑफ यू आर इंटरेस्टेड फॉर दिस रिव्यू. और ये है आने वाली वीडियोज़ के लिए स्क्रिप्ट. तो आने वाली 2-3 वीडियोज़ के लिए हम लोग स्क्रिप्ट रेडी कर रहे हैं, ताकि अब हम रेगुलरली वीक में 2 वीडियोज़ निकाल पाएँ अच्छे से और आपको रेगुलर कॉन्टेंट दे पाएँ. मैंने सोचा था कि मैं सोऊंगी, बट क्योंकि मैंने आप लोगों को दिखा दी थी तो मेरी एक्साइटमेंट इतनी ज़्यादा बढ़ गई और ये जानने के लिए, दैट आई स्टार्टेड रीडिंग द रोजेज़ इन दिसंबर. तो मैंने प्रीफेस पढ़ा, इट वाज ब्यूटीफुल, द बुक हैज़ बीन ब्यूटीफुली स्टार्टेड. मुझे हमेशा ना वो वाली बुक्स बहुत अच्छी लगती हैं जो आपके बचपन की स्टोरीज से शुरू होती हैं, ऐसी ऑटोबायोग्राफीज़. और एमसी चावला, ऑनरेबल जस्टिस एमसी चावला, जो बॉम्बे हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस भी रहे थे, इनफैक्ट इन्होंने ICJ में भी थोड़ा सा टर्म सर्व किया है एज एन एडहॉक जज, तो दैट्स समथिंग ग्रेट. वो पॉलिटिक्स में भी रहे थे, तो मुझे बहुत जानने का मन किया इनका फर्स्ट चैप्टर देख के कि यार इनका चाइल्डहुड कैसा होगा. और मुझे पता चला, और आपको ये बताना बहुत ज़रूरी था, क्योंकि आप लोग ऐसे पूछते हो ना कि मेरे में बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं कि मेरा मैं पढ़ने में उतना अच्छा नहीं हूँ, या मुझे ना इतना रीड करने का मन नहीं करता, तो एम आई द राइट पर्सन फॉर लॉ, वेदर माई चाइल्ड कैन डू लॉ इफ़ ही इज़ नॉट इंटरेस्टेड इन स्टडीज़ एट ऑल, और अभी तो वैसे फन करते रहते हैं, क्या करें. तो मैंने दिखाया जस्टिस चावला बचपन में पढ़ाई में बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं थे. अनफॉर्चुनेटली हिज मदर डाइड व्हेन ही वाज जस्ट 5 years ओल्ड एंड ही हैड नो वन देयर आफ्टर टू शेयर हिज इमोशंस विद एज अ चाइल्ड. तो ही बिकेम रियली ही हिज हिमसेल्फ सेइंग इन द बुक दैट आई बिकेम अ वेरी लोनली चाइल्ड एंड आई वॉज स्केर्ड ऑफ स्कूल, आई वॉज स्केर्ड ऑफ माई हेड मास्टर एंड आई यूज टू रन टू माई ग्रैंड फादर सो दैट एटलीस्ट ही कैन रेस्क्यू मी फ्रॉम द टीचर हु यूज टू ब्रिंग हिम टू गो टू द स्कूल ईच डे ड्यूरिंग दैट टाइम. ही वॉज बॉर्न इन द ईयर 1900 एंड ही लेफ्ट अस फॉर द हेवनली अबोड इन 1981. पटना देखो, एक जगह पे आके पता है उन्होंने क्या कहा, मुझे ये बात बहुत अच्छी लगी और यहाँ के मुझे लगा कि ये तो आपको बताना ज़रूरी है. एक जगह पे आके वो बोलते हैं बुक में, मैं पढ़ देती हूँ, कि देयर वॉज अ टीचर इन द दादर स्कूल हु टुक अ स्पेशल लाइकिंग इन मी, हु हेल्प मी फॉस्टर मी एन इंटरेस्ट इन रीडिंग बुक्स. तो ही इज़ नाउ डिस्क्राइबिंग अबाउट दैट टीचर एंड ही सेज दैट व्हेन आई चेंज्ड माय स्कूल, व्हेन ही वेंट टू अनदर स्कूल इन दादर इन मुंबई, जब वो मूव हुए बॉम्बे में, तो वहाँ पे उन्हें एक टीचर मिली जिन्होंने उनका इतना इंटरेस्ट बनाया टीचिंग में, रीडिंग में, कि ही एक्चुअली बिकेम द चीफ जस्टिस ऑफ वन ऑफ द हाई कोर्ट्स ऑफ इंडिया. सो आई थिंक इट इज़ द टीचर्स, इट इज़ द टीचिंग स्टाइल, इट इज़ द वे यू आर बींग told the facts. Facts are going to remain the facts. Books are going to remain the same. Literature is going to remain the same. It is a person who tells you. It is the power of words that makes you who you are today. तो जिस तरह से हमें पढ़ाया जाता है उसमें बहुत डिफरेंस होता है, और ये दिस इज़ अ फैक्ट विच इज़ बींग एडमिटेड बाय अ जज हिमसेल्फ. तो आप समझ सकते हो कि एक राइट जगह से एजुकेशन लेना कितना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, एक राइट पर्सन को ढूंढना कितना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है.
मैं अन अकेडमी के बारे में बताती रहती हूँ. अन अकेडमी भी ऐसा ही प्लेटफॉर्म आपको ऑफर करता है फॉर ऑल दोज पीपल हु आर एस्पिरेंट्स ऑफ जुडिशियल सर्विसेज एग्जाम, दोज हु वांट टू क्लियर द एग्जाम, दोज हु वांट टू बिकम अ जज इन द फ्यूचर, दोज हु हैव ड्रीम्स ऑफ बिकमिंग लाइक जस्टिस चागला और एनी अदर सिटिंग जज, एनी अदर रिटायर्ड जज, एनी अदर जज हु इज नॉट विद अस टुडे, उनके लिए बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है ये. मुझे क्यों अच्छा लगता है, क्योंकि फीचर्स देखो ना आप, रेज अ हैंड जैसे फीचर्स, डाउनलोडेबल नोट्स, फिर मतलब प्रोग्राम्स जिस तरह से बनाए गए हैं ना वो बहुत फ्लेक्सिबल हैं, और देख के ऐसा लगता है कि बहुत लोग कंफर्टेबल होंगे यहाँ से पढ़ने में. और अगर आप लोग अभी जैसे लॉकडाउन चल रहा था, बहुत सारी चीज़ें चल रही थी, हमें समझ आ गया कि ऑनलाइन क्लासेस भी कितना ज़्यादा हमें फ़ायदा कर सकती हैं. और मुझे लगता है कि जिन लोगों को ये प्रॉब्लम रहती है कि पीयर प्रेशर, लोगों को देख के उनसे पढ़ा नहीं जाता, कुछ लोग डीमोटिवेट हो जाते हैं, कुछ लोगों को डीमोटिवेटिंग क्राउड मिल जाता है अराउंड, तो ये चीज़ों से भी आप बचोगे. आप अपने घर में हो, आराम से प्रिपेयर करो, किसी से कुछ कहने की, कुछ बताने की ज़रूरत नहीं है. अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन लो, वीलॉगिश के सब्सक्राइबर हो तो आपको 10% एडिशनल ऑफ तो मिल ही रहा है, और अभी आप ख़रीदते हो तो फिर आपको जितने मंथ्स का खरीदते हो उससे थोड़े ज़्यादा का ही सब्सक्रिप्शन मिल रहा है. तो अपने लिए अभी राइट पैथ चूज़ करो एंड गो फॉर इट. एटलीस्ट इफ़ यू डोंट वांट टू गो फॉर इट जस्ट बिकॉज आई एम सेइंग, एटलीस्ट गो ऑन दी अनअकैडमीज वेबसाइट एंड ट्राई टू सी व्हाट ऑल कोर्सेज दे हैव फॉर यू. और क्योंकि मैं रोजेज इन दिसंबर पढ़ रही हूँ तो आपका भी मन हो तो ज़रूर पढ़ना. प्लीज़ ऑर्डर इट फ्रॉम अमेजोन और फ्रॉम वेर एवर यू वॉन्ट टू ऑर्डर. और देखो मुझे तो बहुत अच्छी लग रही है, शुरू से आगे जाके देखते हैं, इट्स अ ह्यूज बुक, देखते हैं कैसी होती है. आपने देखा था कि आज मैंने आपको एग्जेम्पशन के बारे में बताया था कि आज आपको लग रहा होगा एग्जेम्पशन एप्लीकेशन कितनी छोटी सी चीज़ होती है, बट भूलो मत, CPC सबने पढ़ी होगी, जिन्होंने नहीं पढ़ी वो आगे पढ़ेंगे ज़रूर. ऑर्डर 9 ऑफ CPC जो पूरा डील करता है अपीयरेंस एंड नॉन अपीयरेंस ऑफ पार्टीज से, तो किसी पार्टी के कोर्ट में अपीयर ना होने की वजह से अगर हम एग्जेम्पशन भी नहीं मूव करेंगे, अगर हम कोर्ट को बताएंगे भी नहीं कि क्लाइंट क्यों नहीं आया, तो क्या कॉन्सिक्वेंसेज हो सकते हैं ना, वो देखने के लिए एक बार ऑर्डर 9 कर लेना. इट कैन इवन लीड टू द डिसमिसल ऑफ द सूट. और आपको पता है कि एक बार अगर सूट डिसमिस हो गया तो कितनी बड़ी प्रॉब्लम आ सकती है. अब डिसमिस हो गया तो उसके बाद भी खैर प्रॉब्लम तो आती है, बट उसकी भी रेमेडीज आपको ऑर्डर 9 ऑफ CPC में ही दी हुई हैं. ये इतना इंपॉर्टेंट ऑर्डर है, कोर्ट में पढ़ते हुए, सॉरी कोर्ट नहीं, कॉलेज में पढ़ते हुए हमको लगता था कि इसका हम क्या ही करेंगे, कोई आया कोई नहीं आया, ये क्या लिखा है इसके रूल्स में, क्या है रूल 13, एक्स पार्टे डिग्री कैसे सेट असाइड करनी है, ये क्या है रूल 1-2, इनको आना ज़रूरी है, रूल 4 डिसमिसल हो जाए, रूल 1-2 में डिसमिसल हो जाएगा, रूल 4 में सूट को कैसे रिवाइव कराना है, रूल 8 में कैसे रिवाइव कराना है, बट All that is extremely important. तो अगर आपको आपने भी ऐसे हल्के में लिया था तो एक बार जाके ना ऑर्डर 9 को दोबारा से पढ़ लो, पता लग जाएगा. इनफैक्ट अगर प्लेंटिफ नहीं आता तो बहुत ही गलत बात है, डिफेंडेंट भी नहीं अपीयर होता तो पता है कि उसके अगेंस्ट एक्स पार्टे प्रोसीडिंग्स हो सकती हैं, फिर करते रहना बाद में जो करना है, फिर सेट असाइड कराते रहना एक्स पार्टे डिग्री को या कोई और रेमेडी लेते रहना. कई लोग अपील की रेमेडी भी लेते हैं वो भी अवेलेबल होती है कुछ केसेस में. और ऐसे ही हाँ देखो, अब देखो क्रिमिनल केसेस में भी कितना इंपॉर्टेंट है. कई बार होता है कि आप डिफेंस काउंसिल हो, आप अक्यूज़ की तरफ से हो और अक्यूज़ नहीं आ पाएगा. मुझे पता है कि फेवर नहीं करता है कोर्ट्स बहुत सारे केसेस में, बट आपके पास प्रोविज़न, आपके पास 205 ऑफ CRPC, 317 ऑफ CRPC, आप वहाँ पे अक्यूज़ के लिए भी क्रिमिनल लॉ, अगर आप क्रिमिनल केस हैंडल कर रहे हो तो अक्यूज़ के लिए भी आप एग्जेम्पशन मांग सकते हो. ऑन ग्राउंड सच एज द अक्यूज़ के नॉट ट्रैवल फ्रॉम अ सिटी दैट्स 400 किलोमीटर्स अवे, इट विल कॉज ग्रेट हार्डशिप फॉर देम बिकॉज यू नो द कोर्ट विल नॉट अज्यूम फ्रॉम द वेरी बिगनिंग दैट ही द अक्यूज इज द पर्सन हु इज गोइंग टू बी कन्विक्टेड सुपर सून एंड ही हैज़ डन द क्राइम. तो मिलती हैं ये सारी चीज़ें भी मिलती हैं. तो मैं बस इतना ही बताना चाहती थी ये बात करके आपको, एक बार वीडियो को कंक्लूड करने से पहले, कि एग्जेम्पशन की कितनी ज़्यादा इंपॉर्टेंस होती है. आप देखते होंगे हम अपनी इंटर्नशिप्स करते हैं, हम बार बार देखते हैं अरे एग्जेम्पशन एप्लीकेशन लगा दो, अरे एग्जेम्पशन लगा दो, अरे नहीं आया अच्छा एग्जेम्पशन लगा दो. एग्जेम्पशन क्या करते हैं, टाइप्ड होती हैं वो, फटाफट हम उसमें चेंज कर लेते हैं. कभी कभी तो ट्रायल कोर्ट्स में, लोअर कोर्ट्स में हम हाथ से लिख देते हैं उस एग्जेम्पशन एप्लीकेशन को, और एज इंटर्न्स हमें लगता है इसकी क्या ही वैल्यू है, क्या ही इंपॉर्टेंस है, बट ऐसा नहीं होता. हमेशा जब भी आप कोई ऐसी एप्लीकेशंस लगा रहे हो तो पहले तो ना उसमें प्रोविज़न ज़रूर लिखा करो टाइटल में, और देखने की कोशिश किया करो ये किस प्रोविज़न में लगी है, क्यों लगी है. कभी कभी अगर कोर्ट ने क्वेश्चन पूछ लिया तो कहीं के नहीं रहोगे मुँह दिखाने लायक, तो पता कर लो.
और ये वाले ऑर्डर को भी पढ़ लेना, बाकी मैंने भी आपको बुक दिखाई, मैं तो भाई ये पढ़ूंगी, देखते हैं कैसी होती है। और आप लोगों के लिए और भी नया नया कंटेंट बनाएंगे, मुझे बताना कैसा लगा डे इन द कोर्ट, डे इन द कोर्ट, डे इन द मेट्रो ज़्यादा हो गया, कोई नहीं, आई विल सी यू वेरी सून अगेन विद अ न्यू वीडियो ऑन अ न्यू कॉन्सेप्ट, बाय फॉर नाउ।